तो होली के कपड़े भी आ चुके हैं और टी शर्ट है, होली की टी शर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा भंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मास्टर कार्तिकी ब्लॉग में। तो भाई दिन का टाइम है और अभी हम लोग को जाना है ना मार्केट वगैरह, क्योंकि होली की थोड़ी सी तैयारियाँ करनी है और होली के लिए ना थोड़े कपड़े वगैरह लाने हैं बच्चों के स्कूल के लिए, क्योंकि उनका स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होना है। तो इसलिए होली के कपड़े लाने हैं और थोड़े कपड़े ना हमें सिलवाने के लिए भी देने हैं, तो इनको भी दे करके आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे मार्केट में। क्या क्या मार्केट कैसी सजी है होली पे, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी। तो हम लोग बिना टुकटुक में बैठ गए हैं और अभी थोड़ी देर में ही मार्केट पहुंच जाएंगे। हमारे घर से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए थोड़ी देर में ही पहुँचे। आप हमारे को परमानेंट आते हो, आप ऐसे नहीं करेंगे ना। तो हमने दे दिया भैया के यहाँ कुर्ती वगैरह और भैया जो है फिटिंग कर देंगे और उसके बाद चलते हैं मार्केट की ओर। ठीक है, फिर आते हैं। आ गए हैं भैया की शॉप में और बच्चों के लिए ना टी शर्ट वगैरह देखने के लिए आ गए हैं। देखते हैं कुर्ते वगैरह टी शर्ट वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, साथ लेकर के जाएंगे। तो होली के कपड़े भी आ चुके हैं और टी शर्टें, होली की टी शर्ट वगैरह सब कुछ आ गए भैया के इधर। तो लेते हैं होली के कपड़े वगैरह और बच्चों के लिए होली के कपड़े तो चाहिए ही भाई, और स्कूलों में तो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है होली के कपड़ों की। आ गए हैं भैया की शॉप में सूट देने के लिए और भैया कह रहे बहुत दिनों के बाद आ रहे हो ना, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो भी जाता है ना, हम लोग भी बहुत दिनों के बाद ही आ रहे हैं मार्केट, इसलिए आज ही हुआ आना। तो देते हैं सूट वगैरह और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हमने ले लिया है, हमने ना पूरे सूट कुर्ती का मतलब मैचिंग करते हुए ले लिया है पूरा दुपट्टा वगैरह, तो सही लगा तो हमें तो हमारे लिए तो कुर्ती वगैरह अभी तक मिली नहीं है। हम लोग पूरी मार्केट छान के आ गए हैं और अब लेने आए हम बच्चों के लिए सैंडल। तो बच्चों के लिए देखते हैं अब और अपने लिए तो अब बाद में देखेंगे थोड़ी देर में। हमें ना एक सैंडल पसंद आ गई है कार्तिकेय के लिए, तो हमने ले ली है और यहाँ पर कराएंगे इसका बिल, तो देखते हैं कितने की पड़ती है हमें। होली पर ना सारी दुकानें सजने लग गई हैं होली की भी, और देख सकते हैं कलर कितने सुंदर सुंदर कलर आ गए हैं। तो हम लोग जो है मार्केट के अंदर पहुंच गए हैं। तो हम आ गए हैं भैया की शॉप में कड़े लेने के लिए और सुंदर सुंदर से कड़े देख रहे हैं भैया की शॉप से, और देख सकते हैं कितनी सुंदर लगती है ना चूड़ियों की दुकान, बड़ी बढ़िया लगती है मुझे तो। देख सकते हैं हम ना होली के कपड़े देख रहे हैं भैया के इधर, देख रहे थे कि कुछ पसंद आता है या नहीं आता है। ये देखिए बहुत सारे कपड़े हैं, पहन के ट्राई कर दिया तो कर। नहर का विंग का काम भी चल रहा है पूरे रोडों में, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और बच्चों के लिए भी ना फ्राइड राइस लेकर के आए हैं आज, तो देख सकते हैं यहाँ फ्राइड राइस गर्मा गर्म खुल भी मिली है। तो ये फ्राइड राइस बच्चों के लिए भी लेकर के आए हैं और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं भाई, यह करीब कितने बजे 11 बजे गए होंगे और 1 बज गया है, 1:30 बज गया है करीबन, तो बहुत टाइम हो गया है। तो थोड़ा बहुत सामान आ गया है और हमारी जो कुर्तियाँ थी ना वो हमें कहीं भी नहीं मिली और साइज़ भी ना बहुत छोटे थे जहाँ देख भी रहे थे, तो देखते हैं कहीं मिलेगी तो ले आएंगे किस समय या अभी एक आध दिन में आ जाएगी तो तब भैया घर ही पहुँचा देंगे हमारे लिए कुर्ती वगैरह। शाम का वक्त है और मम्मी जी लोगों की भी ना होली स्टार्ट हो गई है, मतलब कि होली के गाने स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको भी दिखाते हैं आपको। और कार्तिक ने भी ना आज होली वाली ड्रेस पहन ली है, मतलब कि होली का होली की टी शर्ट पहन ली जो हम लेकर के आए हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। तो मम्मी जी लोगों की ना होली होने लग गई है, मम्मी जी लोग बैठ गए हैं होली के लिए, तो हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ा काम कर लेते हैं उसके बाद जाएंगे। हम ना कार्तिकेय के लिए जो है होली पे ये टी शर्ट लेकर के आए हैं, देखिए क्या लिखा है इसमें, दिखाओ कार्तिकेय। द हैप्पी होली बिग भांग थ्योरी, पता है आपको बिग भांग थ्योरी क्या होता है?
आंटी तो आज थैला भी लेके आई है, देखो इतना बड़ा वो भी देखो गजब। अब तो ऐसे घूम जाता आते समय आ जाता। Thank you.
मिलते घर के हैं। आज की होली भी ना हो गई है और भाई देख ही सकते हैं रंग वगैरह और मस्त होली रही और सबके साथ ना सेलिब्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा ना रौनक भी आती है। होली के टाइम पे ना होली नहीं हुई तो क्या हुआ, बहुत बढ़िया भाई सबके साथ मज़ा आ गया। तो अब कल की होली में मिलेंगे और आज इस ब्लॉग को ना यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।